दोस्तों स्वागत है आपका माय चैनल माय नॉलेज में। लेके आ गया हूँ आप सबकी हेल्प के लिए एक नई वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि आप अपने यूएन नंबर को ऑनलाइन एक्टिवेट कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि आप अपने यूएन नंबर को ऑनलाइन आप घर बैठे ही ईजी वे से आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे करेंगे। स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र को ओपन करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस बार में आपने डालना है epfindia.gov.in। ये करते ही आपने कर देना है एंटर। एंटर करते ही आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होते ही आप अब देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पे जाना है ओवर सर्विसेज में। ठीक है, ओवर सर्विसेज में जाने के बाद आपने ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है फॉर एम्प्लॉयज़। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इस विंडो पर आ जाएंगे। इस विंडो पे आने के बाद आपने क्या करना है, जैसे आप इस विंडो पे आते हैं तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पे एक आपको ये दिख जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है यूएन नंबर एंटर करिए, पासवर्ड अपना एंटर करिए और ये जो सिक्योरिटी करेक्टर्स और डिजिट्स कुछ है वो आपने यहाँ पे कैप्चर करना है। ठीक है, आपने यहाँ पर टाइप करना है और साइन कर देना है। बट आप अपने यूएन नंबर को एक्टिवेट कर रहे हैं तो हमने ये प्रोसीजर नहीं करना है, हमने नीचे आ जाना है एक्टिवेट यूएएन, ये देख रहे हैं आप, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप इस विंडो पे आ जाएंगे। ठीक है, इस विंडो पे आने के बाद आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला ये देखिए एक्टिवेट योर यूएन, ये देखिए यूएन पे मैंने क्लिक किया। अगर आपको यूएन नंबर मालूम है, पता है आपको कि आपका यूएन नंबर क्या है, तो आप यहाँ यूएन नंबर सेलेक्ट करिए और अपना यूएन नंबर डाल दीजिए। यूएन नंबर डालने के बाद आपने अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है और ये सिक्योरिटी करेक्टर्स है उसको आपने टाइप करके यहाँ पर गेट ऑथराइजेशन पिन यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास यूएन नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, मेंबर आईडी होगी आपके पास, मेंबर आईडी पे क्लिक करिए, फिर आपने मेंबर आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर सपोज करिए आपके पास मेंबर आईडी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिर आप अपना नाम डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी करेक्टर कैप्चर करते हैं यहाँ पे और फिर आप इस पर क्लिक कर देते हैं। बट सपोज करिए आपके पास ये भी नहीं है, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, आधार कार्ड डालिए अपना, फिर वही नेम, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑप्शन है ना ये रेड स्टार लगे हुए हैं ये आपको फिल करना मैंडेटरी है, बट ये जो ऊपर है ना यूएन नंबर एंटर मेंबर आईडी आधार पैन इनमें से आप कुछ भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं या पैन कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये सारे आपको सेम हर प्रोसीजर में फिल करना ही पड़ेगा। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, एंटर मेंबर आईडी से मैं अपना इवेंट एक्टिवेट करता हूँ। मेंबर आईडी मतलब सपोज आपका जो पीएफ नंबर होता है वो आपके सैलरी स्लिप में मिल जाएगा, जो आपको सैलरी स्लिप मिलती है उस पर मिल जाएगा, आपको नहीं मिलता है तो आप पता कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट स्टेट, कौन से स्टेट का आपका पीएफ है यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। सपोज करिए मेरा है हरियाणा का, मैं यहाँ हरियाणा सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, हरियाणा सेलेक्ट करते ही उसके बाद हरियाणा के अंदर कहाँ पे है जो आपका पीएफ कट रहा है, कहाँ का ऑफिस है, रोहतक का है, फरीदाबाद का, करनाल का, गुड़गांव का है, मैं गुड़गांव सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि गुड़गांव का है मेरे पास, गुड़गांव सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए आपने हमेशा पीएफ में देखा हुआ
ये ऐसे करके आपका आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पीएफ नंबर पूरा डालना है अपने, ये दो तो आ गए, आप अपने यहाँ पे डिजिट से डाल देना है। फिर आपने यहाँ पे अपना नाम फिल करना है, मेरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर आपने अपना डालना है, ये सारी डिटेल ध्यान रखिए वही फिल करनी है जो आपके रजिस्टर्ड है जब आपका पीएफ अकाउंट ओपन हुआ था। ये सारी जानकारी उसी टाइम के यहाँ पे आपने फिल करनी है। एज इट इज यही जो ऊपर शो कर रहा है आपको आपने यहाँ पे नीचे फिल कर देना है, आर यू वाई, ठीक है। गेट ऑथोराइजेशन पिन, अभी देखिए जैसे मैंने किया अब आपके पीएफ में सिर्फ इतना ही होगा, ये बीच में नहीं होगा, तो जहाँ पे नहीं है वहाँ आपने जीरो डाल देना है, फिर अपने पे क्लिक कर देना है। देखिए प्रोसेसिंग हो रही है, ये देखिए अब देखेंगे यहाँ पे आपका जो आपने फिल किया वो सारा यहाँ पे शो कर रहा, कंफर्म कर लीजिए कि सही है बिल्कुल, फिर आप आई एग्री कर दीजिए, ठीक है। अब ओटीपी आईडी आपकी ये है, अब एंटर ओटीपी, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ गया है, ठीक है। तो वो जो ओटीपी आएगा वो अपने मोबाइल से चेक कर लीजिए, मेरे को आ चुका है, और ये है 6612 11223, ठीक है। तो यहाँ ओ टी पी आपने डाला, अब ये वैलिडेट ओ टी पी एंड एक्टिवेट यू ए एन पे क्लिक करते हैं आप, ये देखिए प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा वेट कीजिए। अब ये देखिए अब यहाँ पे एक वैसा है यू एन ऑलरेडी एक्टिवेटेड, आपने देखा होगा यहाँ पे आया एकदम से वो गायब हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने अपने जो डिटेल आती है मेरी जो यूएन है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो उसी लिए यहाँ एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर आपका एक्टिवेटेड नहीं होगा तो यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा और आपको मैसेज भी आ जाएगा एक्टिवेशन का, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा ये बहुत ही इजी प्रोसेस था अपना यूएन एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने यूएन को एक्टिवेट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा आपको बता दिया है, ठीक है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक्टिवेटेड था उसीलिए यहाँ पे मैसेज आ गया था कि ऑलरेडी एक्टिवेटेड यूएन, ठीक है। आपका नहीं एक्टिवेट हुआ होगा तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, आपको मैसेज भी आ जाएगा, आपका यूएन नंबर भी आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया ना यहाँ पे आपने अपना पीएफ नंबर से आप सर्च कर रहे हैं, सॉरी एक्टिवेट कर रहे हैं अपना यूएन नंबर अपने पीएफ नंबर से, तो आपका यूएन नंबर नहीं है आपके पास तो यूएन नंबर भी आपको मैसेज में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है।